Hi friends, what are the next IPOs that you can look forward to ideally? IPO हो या forward कोई FPO हो या कोई और offering हो. सबसे पहले अगर मैं top 3 की बात करूँ very quickly, Jio. Jio जिस दिन Jio Financial Services जिस दिन list होगा as a company, उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए. I think it's a fantastic opportunity. आपको मिस नहीं करना चाहिए, अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी चाहिए एंड टेक ऑल कॉल्स एज पर द सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या जियो जब लिस्ट होगा, फैंटास्टिक वैल्यू अनलॉकिंग इज़ इन दी ऑफिंग, वो मिस नहीं करना. सेकेंड, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. NSE जब लिस्ट होगा, मतलब काफ़ी टाइम से वी आर वेटिंग कि ये कब इसकी लिस्टिंग होगी, कब क्या इसमें मोमेंटम आएगा. बहुत अनाउंसमेंट्स हुए अभी, आई थिंक 1-1.5 साल में वो आना चाहिए. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बड़ा मोनोपोली मिलना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट लाइक CDSL के जैसा. पूरा ट्रेड तो NSE पे होता है. तो NSE और Jio दो मोनोपोलीज हैं. इसके अलावा बहुत कंपनीज लिस्ट होगी, बट बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड केयरफुल व्हेन यू चूज़ IPOs. IPO के बाद भाव गिरता है, लोग बेचते हैं, एंकर इन्वेस्टर निकलते हैं, तो आपको रीबाइंग का मौका ज़रूर मिलेगा. यू विल गेट अ चांस टू रीबाय द स्टॉक्स दैट यू मिस्ड आउट. तो ऐसा कोई फोमो नहीं होना चाहिए कि IPO मिस कर गए. लुक एट LIC, मैंने पिछले वीडियो में LIC की बात की थी, कहाँ 2100 पे आने वाला था, 2100, कहाँ लिस्टिंग हुई 900, और कहाँ अभी 550 रुपये पे बैठा है. अगर आप IPOs का पूरा हिस्ट्री देखोगे ना, तो ऑलवेज आफ्टर लिस्टिंग वो लिस्टिंग भाव या उसके थोड़ा नीचे आपको एक बार मौका कंपनी ज़रूर देगी विद इन 6 मंथ्स. इसीलिए जब Zomato रिलीज़ हुआ था तो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, देन वो भी वही हुआ, वो लिस्टिंग के भाव के नीचे आ गया. बट NSE एंड Jio के साथ साथ ITC जब डीमर्ज होगी, ITC कभी ना कभी डीमर्ज करके अपनी न्यू ऑफरिंग्स निकालेंगे 1-1.5 साल में, वो थर्ड ऑप्शन है जिसपे आपको नज़र रखनी चाहिए. ITC जब भी ITC होटल्स, ITC FMCG अलग करेंगे अपने करंट बिजनेस से, आई एम श्योर दे विल थिंक अबाउट इट एंड डू इट, क्योंकि उनके वो मैनेजमेंट कमेंट्री में बहुत उछल उछल के बात आ रही है. मैटर ऑफ टाइम. ये तीन मुझे लगता है दीज आर द 3 गोल्ड माइन ऑफरिंग्स जिसपे नज़र टिका के रखनी चाहिए. ITC का तो डीमर्जर है, बट बाकी दोनों आपको IPOs ही मिलेंगे. लेकिन उसमें भी देर इज़ अ वे, जब ये IPO आएंगे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसको सही भाव पे अक्यूमुलेट कैसे करना है. नाउ दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइकी, हाउ टू अक्यूमुलेट गुड IPOs, राइट? तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे. फिलहाल आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. आपके कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स हों तो प्लीज़ कीप देम कमिंग. मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में. कीप प्रॉफिटिंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ गाइस.